पलवल में भी विजयदशमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां तैयारियों का जायजा लिया हमारे साथी दिनेश ने। पूरे देश भर में आज दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्योहार है। हर्षोल्लास के साथ आज पूरा देश भर में और साथ साथ विश्व में भी इस त्योहार को लोग मना रहे हैं। हम मौजूद हैं पलवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। यहाँ पर जो है दशहरे का पर्व हर साल की तरह हर्षोल्लास के साथ मना रहे, देख सकते हैं पूरी तैयारियाँ यहाँ पर दशहरा कमेटी की तरफ से कर ली गई हैं। जो रावण का पुतला है यहाँ पर वो 65 फुट का है। कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला यहाँ पर 60-60 फुट के बनाए गए हैं। पहले इससे पहले 80 फुट तक भी और 85 फुट तक भी ये जो पुतले बनाए जाते थे, देख सकते हैं जो पुतलों में है जो यहाँ पर आग लगाने के लिए जो है वो मेटेरियल लगाया जा रहा है, पटाखे लगाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो रावण के पुतले देखने के लिए पहुँच रहे हैं। पूरी तैयारियाँ कर लिए। मैं आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ पर स्टेज बनेगी, यहाँ पर जो मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर होंगे, पलवल के विधायक दीपक मंगला विशिष्ट अतिथि के तौर पर होंगे। पहले ये त्योहार मनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ दशहरा कमेटी के जो सदस्य भी हैं, क्या कहोगे किस तरह का माहौल है जो दशहरे के पर्व को लेकर और किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम आज यहाँ पर होगा? दशहरे को लेकर यहाँ पर उमंग और उत्साह का माहौल है और हमारी तरफ से तैयारियां अंतिम चरण में है। बहुत बड़ी शोभा यात्रा होगी, बहुत सारे इसमें बैंड है जो देश के भिन्न भिन्न भागों से, आगरा से, हरिद्वार से, गुड़गावा से, मथुरा से, जेवर से, पंजाब से भंगड़ा पार्टी आ रही है और मिलिट्री बैंड भी आ रहा है। तो उनकी अगुवाई में प्रभु राम की शोभा यात्रा दशहरा ग्राउंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुभाष चंद्र स्टेडियम में पहुंचेगी। से भी बड़ा प्रशासन का भी यहां पर मिलता है। आपको बता दें कि ये दशहरा कमेटी के जो सदस्य हैं इन्होंने बताया कि पूरे हर्षोल्लास के साथ दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। झांकियां निकाली जाएंगी, शहर से होते हुए यहां तक पहुंचेंगी, जिनमें प्रभु राम होंगे, रावण होंगे, मेघनाथ के अलग अलग वो होंगे, लक्ष्मण होंगे अलग अलग रूपों में, यहाँ पर सीता माता के भी यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर जो रावण का दहन होगा 7:30 बजे के करीब यहाँ पर दहन होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक।